डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया था बेटा। देखो एक्चुअली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोगों ने कैसे बनाया था बेटा, हम लोगों ने बोला था कि नीचे मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा एच पॉजिटिव आयंस का, और इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी बेटा 1 मोलर, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डूबा होगा पीटी वायर के साथ। इसके साथ बेटा पीटी वायर के साथ, और इस इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन गैस होगी जिसका प्रेशर कितना होगा बेटा 1 बार। तो इस इलेक्ट्रोड को मैंने क्या बोला था बेटा, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको मैंने रेफरेंस लिया था। रेफरेंस मतलब इसके रिस्पेक्ट में बाकी सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग मेजर कर रहे थे। मैंने बोला था बेटा कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं 0 लूंगा ई ऑफ ई नोट ऑफ एच पॉजिटिव गोइंग टू एच टू, इट विल बी इक्वल टू 0 बाई कन्वेंशन, और इसके रिस्पेक्ट में बाकी सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं मेजर करूंगा। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है बेटा। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, मैंने क्या बोला बेटा कि मैं कब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड दूंगा, जब एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी हो बेटा 1 मोलर, और एच टू गैस का प्रेशर कितना हो बेटा 1 बार। तो उस टाइम मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रोड को लगाया होगा बेटा, तो लगाते ही इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो गई होगी, और मान लेता हूं कि रिएक्शन क्या स्टार्ट हो रही है बेटा, इसमें 2H+ aqueous, it will accept 2 electrons and form H2 gas. देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस, इट इज गैस, और ये एस्केप कर जाएगी, एस्केप करने के बाद ये वापस नहीं आ सकती, मतलब हमारा इलेक्ट्रोड क्या हो गया बेटा खराब। किस तरीके से बेटा, मैंने स्टार्टिंग में इसके अंदर क्या क्या था बेटा 1 मोलर इसकी कंसेंट्रेशन ली थी, प्रेशर कितना लिया था बेटा 1 बार, और बोल रहा हूं कि जब इसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर और H2 गैस प्रेशर 1 बार, उस टाइम पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लूंगा बेटा 0 बाय कन्वेंशन। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, धीरे धीरे ये 1 मोलर में से क्या होने लगेगा बेटा, खत्म होने लगेगा, और इसका प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा बेटा बढ़ने लगेगा। अब जैसे ही इसका एच पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन 1 मोलर से कम हो गई, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं रहेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार हो गया, 1 बार से ज्यादा हो गया, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं रहेगा, मतलब इससे आगे की मेजरमेंट्स क्या आएंगी बेटा गलत। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, उसी टाइम थोड़ी देर के बाद एच पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन अपने आप चेंज होगी, और इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस भी अपने आप से बन जाएगी, तो प्रेशर में भी चेंज आएगा। अब इस इलेक्ट्रोड को मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड नहीं बोल सकता, आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब ये प्रॉब्लम हम लोगों ने बेटा कैसे ठीक की, हम लोगों ने बोला कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बजाय दूसरा इलेक्ट्रोड मैं ट्राई करता हूं, जिसको मैंने क्या बोला बेटा कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब देखो कैलोमल इलेक्ट्रोड किस तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बेटर है, हम लोग ये बात समझते हैं, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या प्रॉब्लम आई। देखो बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उससे कुछ देर बाद रिएक्शन के स्टार्ट होने के कुछ देर बाद वहां से डेविएट हो जाती है, चेंज हो जाती है, उस वैल्यू पर फिक्स नहीं रह पाती। तो हम लोगों ने उसके बाद कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज किया। देखो बेटा, कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज मैंने किस तरीके से किया, एक इलेक्ट्रोड बनाया जिसके अंदर नीचे क्या है बेटा, सबसे नीचे मरकरी लिक्विड, और उसके ऊपर मैंने डाला एक सॉल्यूशन Hg2Cl2। Hg2Cl2 को क्या बोलते हैं बेटा कैलोमल, और उसके ऊपर मैंने सॉल्यूशन लिया किसका बेटा KCl का, एक्वस सॉल्यूशन है, और इसको मैंने जोड़ रखा है KCl के रिजर्वायर से। अब और पीटी वायर इसके अंदर लगा रखा है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए। अब बेटा देखो, अगर मैं ये इस इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह यूज करूंगा तो क्या होगा, एनोड की तरह यूज करूंगा तो 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl- एक्वस, इट विल फॉर्म Hg2Cl2। बेटा यहां पर Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहां पर Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट +1,
और दो एच जी है और इधर भी कितने एच जी है, दो, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, दो इलेक्ट्रॉन्स का। और कैथोड की तरह इसको अगर मैंने यूज किया बेटा, तो देखो एच जी यहां पर किसमें है बेटा, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में, दो एच जी, दो मरकरी के एटम्स दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और क्या बना देंगे बेटा, एच जी लिक्विड। तो इस तरीके से एनोड की तरह यूज करेंगे और इसको कैथोड की तरह यूज करेंगे तो ये वाली रिएक्शन होगी। अब देखो बेटा आप लोग बोलोगे कि सर इसमें क्या बेनिफिट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो इसके रिएक्शन में कोई भी गैस इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो बेटा इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि कैलोवल इलेक्ट्रोड के अंदर क्या हुआ है बेटा, नो गैस एस्केप, बेटा कोई भी गैस सिस्टम से बाहर नहीं जा रही है। जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर H2 गैस क्या हो रही थी बेटा, बाहर जा रही थी। उसके बाद दूसरी बात यह है बेटा कि इस इलेक्ट्रोड के अंदर जैसे अगर मैंने एज एनोड देखा तो बेटा Hg जो है वो क्या है बेटा, प्योर लिक्विड, और Hg2Cl2 भी क्या है बेटा, प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, उनकी कंसंट्रेशन को देखने की जरूरत नहीं होती है बेटा। इसके अंदर देखो बेटा Hg लिक्विड एंड Hg2Cl2 लिक्विड आर प्योर लिक्विड्स देयर कंसंट्रेशन आर मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट, बेटा उनकी कंसंट्रेशन से कोई भी फर्क इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर प्योर फॉर्म। अब सिर्फ एक ही आयन है बेटा जो इन्वॉल्व हो रहा है, Cl- आयन। इसी तरीके से कैथोड वाले रिएक्शन में भी बेटा एक ही आयन है, कौन सा आयन, Cl- आयन, जिसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमने अगर इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले दिया तो इस आयन की कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकती है। जैसे वहां पे H हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले केस में H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन चेंज हो सकती थी या फिर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर भी चेंज हो सकता था। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर कैलोमर इलेक्ट्रोड में ये जो आयन बन गए Cl- का जो एक्वा सॉल्यूशन है ये KCl, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। एज एनोड तो Cl- कम हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट साइड है, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा बेटा खत्म, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। और एज कैथोड अगर इसको यूज करूं तो Cl- बन रहा है, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एज कैथोड। तो आप लोग बोलोगे सर वो प्रॉब्लम तो इसमें भी आई, लेकिन बेटा देखो हमने इस सॉल्यूशन को जोड़ रखा है एक किससे बेटा, रिजर्वेयर से। मान लेता हूं कि एज एनोड रिएक्शन हो रही है बेटा और Cl- आयंस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं इस रिएक्शन में, तो रिजर्वेयर से Cl- आयन क्या होंगे बेटा, सॉल्यूशन की साइड आ जाएंगे। इस ये वाल्व ऐसा है बेटा, तो मैंने बीच में वाल्व लगाया है, ये इस तरीके से है डिजाइन किया जाता है इसको कि अगर Cl- की कंसंट्रेशन इसमें कम हुई, एनोड में क्या हो रहा है बेटा, कम हो रही है, तो रिजर्वेयर से क्या होंगे बेटा Cl- इधर ट्रेवल कर जाएंगे वाल्व के थ्रू, और कैथोड की तरह क्या हो रहा है बेटा, Cl- बन रहे हैं कैथोड के ऊपर। तो इसका मतलब Cl- की कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगी, अगर ज्यादा हो गई तो वो कहां जाएगा बेटा, रिजर्वेयर के अंदर। लेकिन इस जगह पे, इस जगह में बेटा Cl- आयंस की कंसंट्रेशन हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट ही मेंटेन रखेंगे। तो इस तरीके से कैलोमर इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह हम यूज कर सकते हैं, इट इज बेटर देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके बेटा अब हम कुछ कॉमर्शियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्शियल सेल्स बेटा देखो सेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो बेटा सेल क्या होता है, डिवाइस बेटा, कौन सा डिवाइस होता है ये, एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है बेटा जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा कहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, तो इसको बोलेंगे सेल। बेटा एक और टर्म होती है बैटरी, बेटा बैटरी क्या होती है, जब एक से ज्यादा सेल, जब एक से ज्यादा मतलब कि 2, 3, 4, 5, 100, 1000 काफी सारे सेल्स को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो बेटा क्या बन जाएगी मेरे पास, बैटरी। व्हेन मोर देन वन सेल, व्हेन मोर देन वन सेल
आर कंबाइंड। बेटा इनको कंबाइन करने पे क्या बनेगी? बैटरी। अच्छा एक अच्छी बैटरी क्या होगी बेटा? हम लोग कहें एक गुड बैटरी विल बी लाइट, लाइट इन वेट, इट विल बी लाइट इन वेट एंड इकोनॉमिकली एफिशिएंट। इकोनॉमिकली मीन बेटा पैसों के हिसाब से। और थर्ड पॉइंट इज बेटा, हम लोग सेल और बैटरी के अंदर किस सेल को और बैटरी को अच्छा बताएंगे बेटा? जिसका ईएमएफ कांस्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है बेटा एक गुड बैटरी का, कि इट्स ईएमएफ शुड बी कांस्टेंट। मतलब लगा बैटरी ऐसी नहीं होनी चाहिए स्टार्टिंग में ज्यादा एएमएफ जनरेट कर रही, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बाद में धीरे धीरे कम करे। हम एक ऐसी बैटरी बनाना चाहेंगे जिसका एएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहे, जब तक बैटरी चले कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए, ऐसी बैटरी को हम क्या बोलेंगे? गुड बैटरी। बेटा दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। तो बेटा प्राइमरी सेल क्या होता है बेटा? ऐसा सेल जिसको रिचार्ज ना किया जा सके, जो सिर्फ एक ही बार यूज हो, विच कैन बी यूज्ड वंस, यूज्ड वंस, या फिर बोल सकते हैं विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। इस टाइप के सेल को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल। एंड सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी सेल या फिर बैटरी। बेटा ऐसा सेल या बैटरी जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सके, उसको रिचार्ज करते हैं, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय रिचार्जिंग इट। ऐसी बैटरी या सेल को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का एक एग्जांपल जो कि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है, चार सेल्स हमें पढ़ने हैं, दो प्राइमरी दो सेकेंडरी। तो उन प्राइमरी सेल्स में पहला क्या है बेटा? ड्राई सेल। अब ड्राई सेल किस तरीके से बनता है बेटा? हम लोगों ने एक सेल बनाया जिसके अंदर जो बीच में पोर्शन है बेटा, ये क्या है? कैथोड। किसका बना है बेटा? कार्बन का। और ये जो साइड में लाइनिंग्स है बेटा, ये जो आउटर सरफेस है इसका सेल का, ये जो आउटर सरफेस है सेल का, ये जिंक का बना है बेटा, ये क्या है? एनोड। और बीच में कार्बन कैथोड। ये क्लोथिंग यूज होता है ये सेल रेडियो में, ट्रांजिस्टर्स में। अब ये जो बीच में पोर्शन बच गया, इसमें क्या है बेटा? MnO2+NH4Cl+ZnCl2। और इसका मोइस्ट सॉल्यूशन है बेटा, मोइस्ट पेस्ट मीन्स इसके अंदर H2O भी है। हम लोगों ने इसको मॉइस्ट क्यों लिया बेटा? क्योंकि अगर ये सॉलिड फॉर्म में होता तो आयंस का फ्लो नहीं हो सकता था, इसीलिए हमने इसको क्या लिया बेटा? मॉइस्ट, ताकि आयंस का फ्लो हो सके। तो मैं लिख सकता हूं फॉर फ्लो ऑफ आयंस। बेटा मॉइस्ट क्यों लिया इस सॉल्यूशन को? हम लोगों ने इस पेस्ट को मॉइस्ट क्यों लिया? क्योंकि ताकि आयंस का फ्लो हो सके हमारे ड्राई सेल में। बेटा एनोड के ऊपर देखो क्या रिएक्शन हो रही होगी। एनोड पे जिंक सॉलिड विल बी कन्वर्टिंग टू जिंक +2+2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी बेटा? MnO2+NH4+ इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म MnOOH+ अमोनिया गैस एज इट इज सॉलिड। MnOOH इज सॉलिड प्लस अमोनिया गैस। एक इलेक्ट्रॉन का चेंज रिएक्शन में आया। आप लोग पूछ सकते हो सर एक इलेक्ट्रॉन का चेंज कहां आया बेटा? Mn यहां पे +4 में है और यहां पर Mn किसने है बेटा? +3। तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले में ऐड कर दिया, मेरे पास क्या आ गई बेटा? ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। अब देखो बेटा इस सेल के अंदर क्या हो रहा है बेटा? एक गैस बन रही है अमोनिया गैस, और अगर गैस सेल के अंदर इकट्ठी होती रही तो सेल कैन बर्स्ट। तो मैं बोल सकता हूं बेटा ड्यू टू
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, बेटा सेल के अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है तो इसकी वजह से सेल ब्रस्ट कर सकता है, सेल कैन ब्रस्ट। तो बेटा इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने इस सेल के अंदर क्या लिया बेटे, जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन लिया, सॉरी जिंक क्लोराइड डाल दिया। अब जिंक क्लोराइड क्या करेगा बेटा, ZnCl2 इट विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया गैस, और ये क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा बेटा, Zn कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, Zn NH3 twice Cl2 which is solid। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया क्या है, सोलिड है। तो इस तरीके से जो गैस प्रोड्यूस हुई बेटा वो कंज्यूम हो गई और क्या बना लिया गैस ने बेटा, एक सॉलिड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स। तो अब हमारा सेल ब्रस्ट नहीं होगा। तो ये क्या था बेटा, ड्राई सेल। ड्राई सेल का ईएमएफ, ड्राई सेल का ईएमएफ कितना होता है बेटा, 1.5 नियर बाय 1.5 वोल्ट। अच्छा एक बात हो, ड्राई सेल की ओवरऑल रिएक्शन में बेटा अमोनिया आयन फ्यूज हुए एक्वस, देखो ये तो प्योर सॉलिड है, ये भी क्या है बेटा प्योर सॉलिड, प्योर सॉलिड प्योर गैस, तो इनकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं लेनी। यहां पे एक तो अमोनिया अमोनियम आयन्स है और दूसरे क्या है बेटा, जिंक प्लस टू आयन्स। तो इनके कंसेंट्रेशन में रिएक्शन के जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी वैसे वैसे अमोनियम आयन्स विल डिक्रीज एंड जिंक आयन्स विल इंक्रीज। तो बेटा जैसा सेल स्टार्टिंग में था सेल बाद में वैसा वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसका ईएमएफ स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा, बाद में नहीं रहेगा, धीरे धीरे इसका ईएमएफ क्या होगा बेटा, डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आयन्स का यूज हुआ है बेटा, आयन्स की कंसंट्रेशन में धीरे धीरे चेंज आ रहा है। जैसे जैसे आयन्स की कंसंट्रेशन, इसकी अमोनियम आयन्स की कंसंट्रेशन कम होगी, जिंक प्लस टू आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ईएमएफ कम होता जाएगा। तो बेटा देखो मैंने क्या लिखवाया था, ऐसा सेल या बैटरी जिसका ईएमएफ चेंज होता हो हम उसको अच्छा सेल नहीं बोलेंगे। तो इसका ईएमएफ क्या है बेटा, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट्स ईएमएफ इज नॉट कॉन्स्टेंट। ओके सेकंड एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल इज मर्करी सेल। बेटा हमारे सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से दो प्राइमरी सेल पढ़ने और दो ही सेकेंडरी सेल पढ़ने। सेकेंड सेल इज मर्करी सेल जिसमें जिंक मर्करी, जिंक अमलगम एनोड और कैथोड क्या होगा बेटा, HGO प्लस कार्बन का, और इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होगा बेटा, KOH प्लस ZN। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसमें आपको सेम याद करना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो बेटा एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, जिंक प्लस टू OH माइनस इट विल फॉर्म ZnO प्लस H2O प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जिंक जीरो में है, यहाँ पे जिंक प्लस टू में है, दो इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। और कैथोड पे क्या होगा बेटा, HGO plus H2O it will form Hg liquid plus 2OH minus, यहाँ पर Hg plus 2 में और यहाँ पर Hg 0 में, दो इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए। अब ओवरऑल रिएक्शन दोनों को जोड़ के लिख देंगे बेटा, देखो ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पर भी कोई भी आयन यूज नहीं हो रहे, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन यूज नहीं हुआ, जिंक इन सॉलिड फॉर्म, HGO इन सॉलिड फॉर्म, प्योर प्योर, H2O प्योर, ZnO सॉलिड प्लस H2O प्योर प्लस Hg लिक्विड, किसी भी आयन की किसी भी एक्वा सॉल्यूशन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब यह है बेटा इस सेल का ईएमएफ क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई एक्वा सॉल्यूशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज आए ओवरऑल रिएक्शन में। इसीलिए इसका ईएमएफ क्या रहेगा बेटा, इट्स ईएमएफ विल बी कॉन्स्टेंट। और बेटा नियरली इसका ईएमएफ कितना होता है, 1.35 वोल्ट। लेकिन देखो ड्राई सेल का ईएमएफ कितना था, 1.5 वोल्ट, बट इट इज बेटर देन ड्राई सेल। क्यों बेटा, क्योंकि इसका ईएमएफ क्या रहता है बेटा, कॉन्स्टेंट, लेकिन ड्राई सेल का ईएमएफ कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। ओके सो मैं बोल सकता हूं कि मर्करी सेल इज बेटर देन, इट इज बेटर देन ड्राई सेल, और इसके पीछे कारण क्या है बेटा, क्योंकि इसका ईएमएफ क्या रहता है, कांस्टेंट। नाउ बेटा उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी सेल क्या, जो रिचार्ज हो सके और जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। उसका पहला एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस इससे 90% है, और इसमें एनोड लेड का बना होगा, कैथोड लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड PbO2 से, और इलेक्ट्रोलाइट यूज क्या होगा बेटा, 38% H2SO4।
एनोड पे रिएक्शन पीबी सॉलिड विल प्लस सल्फेट आयन सीट विल कन्वर्ट टू PbSO4, और कैथोड पे बेटा PbO2 सॉलिड प्लस SO42 माइनस प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म PbSO4। वंस अगेन ओवरऑल रिएक्शन में दोनों को जोड़ के लिख देंगे। अब देखो बेटा ये जो सेल है ये रिचार्जेबल है, जब भी इसको रिचार्जिंग पे डालोगे बेटा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी। PbSO4 सॉलिड इट विल प्लस 2H2O इट विल फॉर्म बैक रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स इससे हमें वापस मिल जाएंगे। अब देखो बेटा इसमें ऐसा क्या हो जा रहा है कि रिएक्शन रिवर्स जा रही है। एक्चुअली जो प्रोडक्ट बना PbSO4 सॉलिड ये सॉलिड फॉर्म में बना है बेटा, तो ये जहां पे बनेगा इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर बनेगा, और जैसे ये बनेगा वहीं पर चिपक जाएगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ही चिपक जाएगा। और जब इसको रिवर्स रिएक्शन में हम लोग इसको रिचार्जिंग के लिए डालेंगे तो वहीं से रिएक्शन देके दोबारा से रिएक्टेंट्स को बना देगा। अब सेल डेड क्यों होता है बेटा, हमें कैसे पता लगेगा कि सेल डेड हो रहा है बेटा? एक्चुअली जब H2SO4 एक्वस इट इज एक्वस सॉल्यूशन तो इसकी कंसंट्रेशन मैटर करेगी। जब H2SO4 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाए या बोलेंगे H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर खत्म हो जाए तो सेल डेड हो जाएगा, उसके बाद हमें सेल को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस सेल के अंदर हमें दो पॉइंट याद करने हैं, एक तो सेल डेड कब होगा जब H2SO4 की कंसंट्रेशन खत्म हो जाए, और रिचार्ज करने पर रिएक्शन इससे उल्टी चली जाएगी, कैथोड वाली रिएक्शन भी रिवर्स और एनोड वाली रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। मतलब बोल सकता हूं कि दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके बेटा नेक्स्ट टाइप का सेकेंडरी जो सेल है दैट इज निकल कैडमियम बैटरी, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं निकल सेल या निकल बैटरी। बेटा इसमें एनोड में क्या रिएक्शन होगी, कैडमियम सॉलिड प्लस OH माइनस इट विल फॉर्म CdOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कैडमियम 0 और इधर प्लस 2 में। सिमिलरली कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी बेटा, NiO2 सॉलिड प्लस H2O इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म NiOH2 प्लस 2OH माइनस, हियर निकल प्लस 4 एंड हियर निकल प्लस 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन इसने कर लिया क्योंकि रिडक्शन हो गया, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल रिएक्शन में सिंपली दोनों को ऐड करके लिख देंगे, 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसिल, बाकी सब को हम ओवरऑल रिएक्शन में लिख देंगे। इसका ईएमएफ कितना होगा बेटा, 1.14 वोल्ट। ओके नाउ इसके नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं बेटा, फ्यूल सेल्स जैसे हमारे पास फ्यूल्स हो गए हाइड्रोजन मीथेन या फिर मीथेनॉल, इस टाइप के जो फ्यूल्स होते हैं उन फ्यूल्स की थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूल सेल। मतलब कि ऐसे सेल विच कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी ऑफ फ्यूल। तो बेटा कौन से फ्यूल यूज हो सकते हैं, यहां पे आप लोग एग्जांपल ऐड कर लो, जैसे कि H2 हाइड्रोजन मीथेन मीथेनॉल एक्सेट्रा, जो फ्यूल्स होते हैं बेटा इनकी थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरी बात बेटा ये है कि फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी थर्मल सेल से ज्यादा होती है। थर्मली अगर हम इनसे एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो एनर्जी कम मिलेगी एज कंपेयर टू फ्यूल सेल, तो मैं बोल सकता हूं एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल्स इज हायर देन efficiency of fuel cells is higher than thermal plant। अब यहां पे बेटा मैंने एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फ्यूल सेल का डायग्राम बनाया है, एक तरफ से हाइड्रोजन सप्लाई किया और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन, और यहां पे मैंने एक पोरस मेम्ब्रेन लगाई है जिसके अंदर से हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से पास हो सके और यहां से ऑक्सीजन गैस भी इसके अंदर से पास हो सके इस पोरस मेम्ब्रेन के। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या लिया है बेटा मैंने, इसके अंदर NaOH का एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्यूशन में मेरे पास क्या पड़े हुए बेटा, OH माइनस आयंस पड़े हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फ्यूल सेल के अंदर देखो बेटा एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, 2H2 गैस प्लस 4OH माइनस, OH माइनस कहां से आया बेटा, NaOH से, इट विल फॉर्म
4H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे किस में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे किस में है बेटा सारे के सारे हाइड्रोजन प्लस वन में, मतलब चारों हाइड्रोजन जीरो से प्लस वन में आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया इसने, चार। कैथोड पे बेटा क्या होगा, देखो O2 गैस प्लस 2H2O इट विल एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 4OH- एक्वस। बेटा देखो OH- आयंस का ही हमें यूज करना है, H पॉजिटिव आयंस का यूज नहीं करना है, क्यों बेटा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर क्या लिया है, OH- आयंस लिए हैं। तो ये मान लो कि हमें रिएक्शन लिखनी है H2 गैस इट विल फॉर्म H2O और दूसरी तरफ O2 विल फॉर्म OH- और इनको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, और ओवरऑल रिएक्शन जब भी लिखूंगा तो क्या बन जाएगी बेटा, H2 गैस प्लस O2 गैस इट विल फॉर्म H2O। ये मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन बन गई, और इस रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, वो कहां से प्रोड्यूस हुई बेटा, फ्यूल सेल से। अब देखो बेटा हमारे पास H2O बना बेटा रिएक्शन में, क्या H2O कोई पोल्यूशन क्रिएट करेगा, नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि फ्यूल सेल्स आर पोल्यूशन फ्री, फ्यूल सेल से किसी भी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं होता है। और अगर मैं प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहूंगा, देखो बेटा धीरे धीरे रिएक्टेंट डाले जा रहा हूं, प्रोडक्ट बाहर निकले जा रहे हैं, तो रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, और रिएक्टेंट सप्लाई करता रहूंगा और प्रोडक्ट बाहर निकालता रहूंगा, H2O को बाहर कलेक्ट करता रहूंगा। रिएक्शन के अंदर अगर मैंने प्रोडक्ट को खत्म कर दिया, प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया, रिएक्शन कहां बढ़ेगी, आगे की तरफ, या फिर रिएक्टेंट को सप्लाई कर दिया तो रिएक्शन कहां बढ़ेगी बेटा, आगे की तरफ। तो सेल को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, H2O को तो बाहर कलेक्ट कर लूंगा, बाहर निकाल दूंगा सेल से, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली सप्लाई करता रहूंगा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन, बेटा एक्चुअली कोरोजन क्या होता है, कोरोजन कोई भी मेटल जो होगा बेटा वो ऑक्सीजन की और वाटर की प्रेजेंस में बेटा अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन बोलते हैं। अब देखो बेटा फॉर एग्जांपल मैं आयरन की बात करता हूं, मान लेता हूं तो आयरन की मेरे पास कोई प्लेट है बेटा, और ये कॉन्टेक्ट में आ गई बेटा, आयरन की प्लेट किसके साथ, वॉटर एंड एयर के साथ कॉन्टेक्ट में आएगी, तो इसका कोरोजन हो जाएगा, आयरन अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में चला जाएगा, कोई कंपाउंड बना लेगा। तो देखो बेटा एक्चुअली इस प्रोसेस को, कोरोजन को भी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से समझा सकता हूं किस तरीके से बेटा, मैं मान लेता हूं कि एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, होगा मेरे पास आयरन है सॉलिड फॉर्म में, इट विल फॉर्म Fe प्लस 2 एक्वस आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसने क्या कर किया बेटा, आयरन ने एक अपना सॉल्यूशन बना लिया, जैसे कि Fe सॉलिड प्योर फॉर्म में था, एंड इट विल फॉर्म सम कंपाउंड, मतलब कोरोड हो गया, इसका कोरोजन हो गया। और कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा बेटा, दूसरी तरफ कैथोड पे रिएक्शन होगा बेटा, H पॉजिटिव आयंस प्लस O2 गैस, ऑक्सीजन गैस प्लस H पॉजिटिव आयंस कहां से आए बेटा, इट विल फॉर्म 2H2O लिक्विड, एंड इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, ऑक्सीजन यहां पे जीरो में है और यहां पे माइनस 2 में, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया इसमें, तो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा ठीक है, सो बेटा ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, Fe सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव, सॉरी इसको बैलेंस करेंगे, देखो इस साइड 4 इलेक्ट्रॉन, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर वाले रिएक्शन को 2 से क्या करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, तो 2Fe सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव एक्वस प्लस O2 गैस, इट विल फॉर्म 2Fe प्लस 2 आयंस प्लस 2H2 लिक्विड। तो बेटा देखो आयरन के केस में, आयरन के केस में हम कोरोजन को क्या बोलते हैं बेटा, रस्टिंग भी बोल देते हैं। एक बात और, अगर एक बार मेरे पास Fe प्लस 2 आयंस बन गए तो बेटा इनका फर्दर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, फर्दर ऑक्सीडेशन, और फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद
ये कहां चले जाएंगे बेटा, Fe+3 फेरिक आयंस में, और रस्ट बना लेंगे बेटा। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.X H2O। ये क्या बन गया बेटा, रस्ट बन गया। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.X H2O। X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर अटैच्ड टू इट। अब बेटा हमें कोरोजन को प्रिवेंट करना है। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए एक बात और, ये जो एच पॉजिटिव आयंस आए हैं बेटा, ये कहां से आए हैं एच पॉजिटिव आयंस? ये एच पॉजिटिव आयंस आए हैं या तो वाटर से या कोई वीक एसिड, जो हमारे पास एसिड ड्रेन हो जाती है बेटा, उससे कोई एसिड अगर आ जाए तो वहां से एच पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, या फिर H2O से एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। बेटा कोरोजन को प्रिवेंट किस तरीके से किया जाए? देखो बेटा, हमें अगर कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो देखो, मैं कुछ भी इस तरीके का काम करता हूं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई या फिर H2O का सप्लाई खत्म हो जाए, तो मतलब कि कैथोड वाली रिएक्शन फिर नहीं होगी, और अकेले एनोड पे रिएक्शन फिर नहीं हो सकती, अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर मैंने कैथोड वाली रिएक्शन को रोक दिया होगा तो एनोड वाली रिएक्शन अपने आप रुक जाएगी। तो या तो मैं ऑक्सीजन मतलब एयर की सप्लाई को काट दूं, या फिर H2O को इससे दूर रखूं, तो कोरोजन नहीं होगा। अब बेटा मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन आर बेटा, सबसे पहला है गैल्वेनाइजेशन। बेटा गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, मान लो मेरे को आयरन को प्रिवेंट करना है, आयरन को बचाना है, तो मैं एक आयरन की प्लेट ले लेता हूं बेटा, ये दिस इज Fe प्लेट, और इसको कवर कर देता हूं बेटा किससे, बेटा एक इससे भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल से, फॉर एग्जांपल जिंक से मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, कवर कर दिया आयरन को। अब जिंक से मैंने इसको कवर कर दिया बेटा, जिंक मोर रिएक्टिव है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोरोजन होगा तो किसका होगा बेटा, Fe और आयरन जिंक के मुकाबले में, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव, इसका मतलब कोरोजन होगा तो किसका होगा बेटा, जिंक का। तो बेटा एक तरीके से जिंक ने सैक्रिफाइस कर दिया खुद को आयरन को बचाने के लिए, तो इसीलिए जिंक को मैं क्या बोलता हूं बेटा, सैक्रिफिशियल मेटल, बिकॉज इसने अपना सैक्रिफाइस कर दिया आयरन को बचाने के लिए, और जिंक खुद रिएक्शन दे देगा, आयरन को बचा देगा। सेकेंड एंड लास्ट मेथड है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखो, गैल्वेनाइजेशन में हम लोगों ने क्या किया था मेटल को बेटा, मेटल वाज कवर्ड बाई मोर रिएक्टिव मेटल, खुद से ज्यादा रिएक्टिव मेटल से मेटल को हमने क्या कर दिया था बेटा, कवर। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करेंगे बेटा, मेटल को कवर कर देंगे किसी इनर्ट मेटल से, मेटल इज कवर्ड बाय इनर्ट, मतलब कि लेस रिएक्टिव से इनर्ट मेटल। बेटा मान लो मेरे पास आयरन मेटल है और इसको चारों तरफ से मैंने कवर कर दिया बेटा एक इनर्ट मेटल से, इनर्ट मेटल से अगर मैंने इसको कवर कर दिया, तो इसका मतलब आयरन के ऊपर ऑक्सीजन का या फिर H2O का सप्लाई आएगा ही नहीं। अगर इसका सप्लाई नहीं आएगा तो कैथोड वाली रिएक्शन होगी नहीं, इसका मतलब कि कोरोजन या आयरन की रस्टिंग नहीं होगी। अब गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा मेथड बेटा बेटर है? देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअली में फिजिकली बचा रहा है इसको, ये कोई केमिकल रिएक्शन फ्लो नहीं कर रहा है, और गैल्वेनाइजेशन में क्या हो रहा है बेटा, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम बचाते हैं, जिंक केमिकल रिएक्शन फ्लो कर देगा आयरन को बचा देगा। तो बेटा ये क्या है, गैल्वेनाइजेशन एक तरीके से केमिकल मेथड है, इट इज केमिकल मेथड, और यहां पे कोई फिजिकल कोई रिएक्शन नहीं हो रही है बेटा, फिजिकली आयरन मेटल को ये मेटल चारों तरफ से कवर कर लेगा, मतलब इट इज फिजिकल प्रिवेंशन। यहां पर अगर थोड़ा सा भी ये मान लो मेटल कहीं से हट गया और यहां पे ये एक्सपोज हो गया, आयरन क्या हो गया एक्सपोज, तो वहीं से इसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। लेकिन गैल्वेनाइजेशन में अगर ये थोड़ा सा हट भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि जब तक थोड़ा सा भी जिंक बचा हुआ है ये पहले रिएक्शन शो करेगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेटा क्या है कि अगर थोड़ा सा भी कवर हट गया, हमारा मेटल एक्सपोज हो गया, उसकी रस्टिंग हो जाएगी।
लेकिन गैलेनाइजेशन में अगर जिंक जब तक प्रेजेंट रहेगा तब तक एफ ए रिएक्शन शो नहीं करेगा। मैं बोल सकता हूँ कि गैलेनाइजेशन थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक टीम।